नमस्कार, मैं रामजस कुशवाहा और आप देख रहे हैं विलेज बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाने वाला हूं अरबी लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, अरब देश में किस तरह का खाना बनता है। दोहा कतर हो गया, सऊदी ओमान, मस्कट, बहरान, दुबई, अबू धाबी, जितने भी अरब देश है, लेबनान, इस तरह के देश में अरबी लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ और यहाँ एक अरबी के घर में बहुत बड़ा पार्टी हो रहा है जिससे बहुत प्रकार के खाना बन रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम एक एक करके अरबी खाना के बारे में बता रहा हूँ किस तरह का बनता है। देखिए, मुर्गी का कबाब, ये लोग अरबी लोग कबाब इस तरह से पसंद करता है, कबाब बन रहा है। अरे मसाला है, ये क्या चीज़ का मसाला है उस्ताद? ये क्या चीज़ का मसाला है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिक्स करके दही भी इसमें डाले हैं और इस तरह से मिक्स करके, अरे चिकन का जो लेग पीस है या जो भी मांस है उसको इस तरह से जाली में चाप दिया गया है, नीचे आग जला दिया गया है और पहले इस मसाला में लपेट करके और रखा गया और फिर ऊपर से चाहिए तो ब्रश ले देते रहते हैं, है ना? ये उस्ताद हैं, ब्रश से देते रहते हैं। इस तरह से अरबी फूड ये वैरायटी होता है मुर्गी कबाब। ये देखिए, इस पर स्प्रे भी मारा जाता है, ये मार्केट में स्प्रे मिलता है। अच्छा, और फिर पलट करके इस तरह से रखा जाता है ऊपर नीचे। और आइए दिखाता हूँ, आज एक दूसरा आइटम बन रहा है, उस्ताद बना रहे हैं एक अरबी फूड और पूछता हूँ इनसे। ये देखिए, चिकन कोफ्ता, इसको बोलते हैं चिकन कोफ्ता। इसमें मुर्गी, आलू बॉईल करके आलू देने का है, बगदनुस, धनिया पत्ता और अदरक लहसुन थोड़ा, हाँ बस। और उसके बाद उसको हम ब्रेड क्रम्ब से, अच्छा, मिशन करने का बाद वही ब्रेड क्रम्ब से इसको सॉफ्ट करने का है, फिर ऐसा बनाने का है। अच्छा, फिर इस तरह से बना करके फ्राई करने का है और फिर ये तेल में इस तरह से फ्राई करके, इसको फ्राई भी खा सकता है। इसको बाद में हम टमाटो प्याज लाल करके उसको सॉस भी बना सकता है। अच्छा, सॉस भी हो सकता है। तो अगर हम इसको चिकन के अगर भूल जाए तो चिकन निकाल दिया जाए तो पूरी की तरह वेजिटेबल है? नहीं, पूरा पत्ता है ये, इसमें चिकन का भी मिक्स है ना? चिकन है, हाँ चिकन है, ज्यादा चिकन है, चिकन है, नहीं तो बाकी के पूरा वेजिटेबल ही है। वेजिटेबल है, हाँ, इसमें थोड़ा चिकन का वो मिक्स किया गया, ज्यादा चिकन है। हाँ, उसके अंदर धनिया पत्ता, हाँ, बगदनुस, अच्छा, तो चिकन का क्या, अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा देता है, फिर देके आलू बॉइल करके देके उसको मिशन करता है। अच्छा, मिशन करके, मिशन करने का मतलब एक तरह से कीमा की तरह उसको, कीमा की तरह मिक्स कर देते हैं। हाँ, मिक्स कर देता है। अच्छा, फिर उसी, अभी उसको ऐसा भी खा सकता है, अभी इसको मैं दूसरी तरफ सॉस भी बनाएगा। अच्छा, और सॉस भी कीमा जैसा, कीमा का सॉस बनाता है, कीमा का जैसा सॉस बना के उसका अंदर डालता है टमाटो। अच्छा, थोड़ा इसका इसका नाम क्या बोले? इसका नाम चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता, तो देख लीजिए अरबी का बहुत ही फेवरेट है डिश, चिकन कोफ्ता। अब देखिए, एक अरबी का, एक देखिए इसका क्या है, इसका कोसा, बड़ा मच्छी, और बेदिंजान, इसका माशी है, इसका इसको माशी बोलता है। अच्छा, तो इसको माशी बोलता है, इसका अंदर कीमा है, बगदनुस है, शैबत है, कीमा, बगदनुस, शैबत, धनिया पत्ता, अदरक लहसुन, टमाटो, ये सब है इसका अंदर। अच्छा, देखिए अरबी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, अगर अरब देश में आना चाहते हैं, कतर, सऊदीया, कुवैत, बहरीन, तो इस तरह का खाना का जानकारी होना चाहिए अरबी कुक में, तब जा करके आप ट्रेंड रहेंगे, आपको वैल्यू मिलेगा। और ये चावल है, ये चावल ऐसे डायरेक्ट खाने के लिए नहीं है, इधर मटन फूलने के लिए डाला गया है। ये मटन पकेगा और मटन के अंदर आधा पकने के बाद इसमें अंदर उसके पेट में डाला जाता है।
आधा इसको पका करके आग में और फिर उसके पेट में चावल को डाल दिया जाता है ताकि उन लोग फिर काट काट के और खाता है लोग। ये देखिए और इधर ये देखिए अरबी का एक डिश फूड, ये फूड है और ये भिंडी, ये भिंडी। अच्छा भिंडी का सब्जी देखिए किस तरह का है, इस तरह का भिंडी का सब्जी। तो ये उस्ताद सलाम उस्ताद है बांग्लादेश के, 25 साल से इस 32 साल ओ मैं तो भूल ही गया, 32 साल से इस घर में कुक का काम कर रहे हैं। समझिए इतना एक्सपर्ट, इतना नॉलेज, मतलब समझिए कि अरबी के खाना का स्पेशल डॉक्टर का डॉक्टर कहा जाएगा। 32 साल तो यहाँ हो गया अरबी खाना का जानकारी इनको इस तरह का है स्पेशल। बॉस हमारा छोड़ता नहीं है, एक कैंसिल जाने के लिए बोलते हैं, बॉस बोलते हैं अभी रहो अभी रहो, अभी तुम बिल्कुल अभी शादी करने लायक हो। हाँ अभी उस्ताद जो वाड़ा गाना बोला था ना, अच्छा ये देखिए वाड़ा गाना मर्शी, अच्छा ये वही है ना जो अंगूर का पत्ता, पत्ता का हाँ सब पत्ता का जगह सुला स्लो करके रखा, पानी देके स्लो करके रखा उसको। अच्छा बिल्कुल एकदम लो फ्लेम में काल से दिखाया था पका रहे हैं वही। अच्छा अच्छा तो इस तरह का अरबी का खाना, आज घर में पार्टी है इसलिए सारा आइटम बन रहा है। और ये क्या करेंगे उस्ताद, ये बैगन का इस तरह से इसमें, अच्छा ये बैगन फ्राई करके रखे हैं, इसको कहाँ डालेंगे? वो मुतब्बल बनाएगा। अच्छा मुतब्बल, अबे देखिए मुतब्बल कैसा होता है ये तो हमको भी नहीं मालूम, तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा अबे हमको शाम को आपको मिलेगा ये उसका। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उस्ताद के लिए अच्छा सा कमेंट में इनको दुआ दीजिए, इतने अच्छे अरबी खाना दिखा रहे हैं बना रहे हैं। तो इनके लिए इनकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए कि ताकि और ज़्यादा समय तक अभी रहें यहाँ इस घर में हम लोग के साथ में। नहीं ऐसा कैसे है, फिर हम लोग का खाना पीना इज्जत से अच्छा से नहीं मिलेगा। हाँ तो एक आइटम और ये देखिए उस्ताद बनाए हुए हैं, अब ये देखिए कूसा है, उसका नाम कूसा है। अच्छा कूसा रोप, रोप मतलब दही। अच्छा दही से ये पहले जो कुब्बा के अंदर जो मसाला घुसाया था, अच्छा अच्छा ये कूसा के अंदर ये मसाला घुसाया, घुसा के उसको फ्राई किया, तेल में फ्राई किया, फ्राई करके इसके अंदर दही के अंदर इसको डाला। अच्छा दही के अंदर, दही के अंदर डाल के ऐसा बनाया। और वो जो कुब्बा के पाउडर जैसा दिख रहा है वो क्या है? वो दही है। हाँ वो कुब्बा का गोश्त का जो बनाया था ना वही बाहर निकला, कीमा। अच्छा हाँ हाँ वही उसके अंदर घुसाया, घुसा के कूसा में उसको फ्राई किया, फ्राई करके उसको दही के अंदर डालते उसको बॉइल किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम कूसा रोप, कूसा रोप। उसके बाद उसके साथ जैसे वो खाना मांगेगा हल्का गर्म करेगा। अच्छा उसके बाद उसके लिए दही दूसरा जगह पर दही बनाएगा, दही बना के उसको ऊपर देगा, ऊपर थोड़ा गर्म करके दही ऊपर दे के डिश में डालने के बाद इसको डिश में बैठा के फिर दही डालेगा। दही डालने के बाद उसके ऊपर पुदीना पत्ता उसको ऊपर दे देगा। अच्छा बस एक डिश बन गया, तब एक डिश बन गया। देखिए इतने सारे आइटम के जानकार हैं उस्ताद, वाह। अभी और टाइम लगे इसको, और टाइम लगेगा थोड़ा। देखिए उसमें कितने हैं, सीधा शिमला मिर्च, प्याज, टमाटो, बेनिंजन सब आइटम है। हाँ तो ये देखिए ये क्या है उस्ताद, सलाद है? नहीं वो डेकोरेशन करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए है। तो जहाँ खाना में लगाएंगे उसमें रखेंगे? खाना में डेकोरेशन करते हैं। अच्छा अच्छा वो बाद में। अच्छा तो ये देखिए यहाँ कोफ्ता, वो जो चिकन कोफ्ता बनाया था, हाँ हाँ वो चिकन कोफ्ता के लिए अभी हम टमाटो ब्लेंडर किया, उसके अंदर थोड़ा अदरक लहसुन दिया, थोड़ा प्याज दिया, थोड़ा अदरक लहसुन दिया, अच्छा। टमाटो दिया, ब्लेंडर किया जी अलग, फ्राई पैन में छोटा छोटा करके प्याज को काट के फ्राई किया। अच्छा प्याज के अंदर कोई टमाटर का जूस डाल दे के उसके अंदर थोड़ा चिकन का बुजार दिया, स्पाइसेस चिकन स्पाइसेस दिया और चिकन स्पाइसेस और सॉल्ट और टमाटर का अंदर उसको सॉस बनाया, सॉस बना के उसको बाद जब थोड़ा भूनने का बाद उसके अंदर
ये दिया, इसको क्या नाम है, धनिया और बकदरोस दिया। अच्छा, और इस तरह से एकदम लाजवाब शानदार। हाँ शानदार, एक प्लेट ग्रेवी, ग्रेवी हो गया। हाँ। अभी इसको ओवन का अंदर देगा। हाँ। 10-15-20 मिनट का बाद उसके ऊपर अच्छे से कलर आएगा। अच्छा, और कलर बढ़ेगा। हाँ, कलर बढ़ेगा उसका। अच्छा, और ये जो चावल है? नहीं नहीं, वो तो बकरी के लिए, बकरी में डालने वाला। हाँ, है। अच्छा अच्छा, तो जब डालिएगा तो हमको दिखाइएगा जरूर। अच्छा ओके ओके, कलर आया, ओ माय गॉड, क्या एकदम इसका कलर का तो मैं बता नहीं सकता, क्या खूबसूरत पक के निकला है। ये जितने भी आइटम है ये सब खाना को डेकोरेट करने वाला है। आपने जो खाना देखा उसको डायरेक्ट इसी तरह से नहीं अरबी के घर में भेजा जाता है, उसको इन आइटम से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। जैसे देखिए ये खाना को सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया गया और इस तरह से अल्मीनियम पेपर से उसको पैक किया जाता है और फिर अरबी के घर में भेजा जाता है। तो अगला वीडियो में देखिएगा जितने भी आइटम ने दिखाया, खाना दिखाया, अरबी भोजन दिखाया, वो सबको किस तरह से डेकोरेट करके और भेजा जाता है। तो अगला वीडियो जैसे बनाऊंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।